आज मैं आपको बताऊंगा अपने जमाने के सबसे महान वैज्ञानिक निकोलाई टेस्ला ने 10 फ्यूचर के बारे में जो प्रेडिक्शंस किए वो कैसे सच साबित हुए। मैं हूं आपका होस्ट अभिजीत और आप देख रहे हैं लुक अप। दोस्तों 40 वर्ष के एक वैज्ञानिक निकोलाई टेस्ला बहुत ही हताश अवस्था में अपनी लैब में बैठा हुआ था, जो अपने हाथ में थामे बैठा था रिसर्च पेपर्स का कुछ ऐसा खजाना जो हमारी ह्यूमैनिटी का भविष्य बदलने वाला था। लेकिन ये वैज्ञानिक बेहद नाराज था क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल इन्वेस्टर्स ने नकार दिया था। लेकिन इस नौजवान वैज्ञानिक ने कभी भी हार नहीं मानी। उसे ये बिल्कुल पता था कि उसके हाथ में जो रिसर्च पेपर्स का खजाना है वो हमारी ह्यूमैनिटी का भविष्य बदलने वाला था। इससे पहले मैं आपको ऐसी 10 चीजें बताऊं जिन्होंने आज का हमारा फ्यूचर शेप किया है, पहले एक इंटरेस्टिंग किस्सा जान लेते हैं। दोस्तों एक जमाना था जहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर ली थी और निकोलाई टेस्ला और थॉमस एडिसन जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की है उनमें बहस छिड़ी हुई थी कि एसी करंट अच्छा है या डीसी करंट अच्छा है, यानी अल्टरनेटिव करंट अच्छा है या डायरेक्ट करंट अच्छा है। उस वक्त निकोलाई टेस्ला अपनी खोज कर रहे थे अल्टरनेटिव करंट के ट्रांसमिशन सिस्टम्स में, यानी एसी करंट सिस्टम्स को दूर डिस्टेंस पे कैसे पहुंचाया जा सकता है और वो भी कम कॉस्ट में। और अपने इस शानदार आइडिया का प्रदर्शन उन्होंने वैज्ञानिकों से भरे हुए एक हॉल में कर दिया। तब निकोलाई टेस्ला ने एकदम जोश में आके सबके सामने ये कहा कि एसी सिस्टम ही हमारा फ्यूचर है जो पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तभी थॉमस एडिसन ने इसकी चेष्टा करते हुए ये कहा कि ये जो टेस्ला की एसी सिस्टम है ये इतनी डेंजरस है कि ये पूरी दुनिया को रोशन करना तो दूर, पूरी दुनिया को आग लगा देगी जिसमें हम सब मारे जाएंगे। इसमें टेस्ला में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते थे उनमें दुमत हो गया और उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। अपनी इन दो बड़े सेटबैक्स के बाद भी निकोलाई टेस्ला नहीं थमे और उन्होंने वायरलेस ट्रांसमिशन की एक जबरदस्त डायग्राम अपने पेपर पे उतार दी। और दोस्तों आज आप जरा सोच ले कि आपकी लाइफ में से अगर वायरलेस ट्रांसमिशन गायब किया जाए तो आज के दिन आपकी लाइफ कैसी होगी। आपको अगर ये मेरा साइकास्ट अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों आज के दिन हमारी ह्यूमैनिटी की एक सबसे लंबी छलांग है, वो है वॉयजर 1 और वॉयजर 2 मिशन। इसमें से वॉयजर 1 हमसे 14 बिलियन किलोमीटर दूर है और वॉयजर 2 जो है वो 12 बिलियन किलोमीटर दूर है। दोस्तों इतनी दूर से इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स का टेलीमेट्री डाटा हमें आज तक मिल रहा है। तो ये रही पहली चीज निकोलाई टेस्ला ने जो फ्यूचर के बारे में बताई थी कि वायरलेस कम्युनिकेशन होगा सच, और वो सच साबित हुई क्योंकि इंटरनेट से लेके सैटेलाइट्स और जीपीएस कम्युनिकेशंस तक सारी चीजें आज वायरलेस कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है। दोस्तों 1917 में एक आर्ग्यूमेंट के दौरान टेस्ला टावर का प्रेजेंटेशन जब टेस्ला दे रहे थे तब उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि भविष्य में लोग टेक्स्ट मैसेजेस, एसएमएस और वीडियो कॉल्स एक दूसरे को करेंगे, और उनका ये पहला प्रेडिक्शन वायरलेस कम्युनिकेशन सच साबित हुआ। दूसरी चीज निकोलाई टेस्ला ने की हुई ड्रोन्स के बारे में भविष्यवाणी। दोस्तों 1898 में निकोलाई टेस्ला ने अपने बोट विदाउट ओर्स नामक एक एक्सपेरिमेंट से पूरी दुनिया का होश उड़ा दिया था। उनके होश इसलिए उड़ गए थे कि 1898 में निकोलस टेस्ला ने रिमोट कंट्रोल और बैटरी का इस्तेमाल करके एक बोट के स्टीयरिंग व्हील को चलाया और बोट की सारी लाइट्स को भी रिमोटली कंट्रोल किया। और रोबोट की कल्पना लोगों को आने के 22 साल पहले उन्होंने रोबोट को एक प्रोटोटाइप बना लिया था। यानी 1930 में निकोलाई टेस्ला ने यह पुष्टि कर दी थी कि भविष्य में रोबोट्स इंसानों की जगह ले लेंगे। तीसरी चीज निकोलाई टेस्ला ने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी सटीक भविष्यवाणी की थी। दोस्तों निकोलाई टेस्ला ने सोलार एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी और विंड एनर्जी की संकल्पना सबसे पहले की थी। पांचवी भविष्यवाणी मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स। 1936 में निकोलाई टेस्ला ने यह भविष्यवाणी की थी कि भविष्य के इंसान एक दूसरे को फेस टू फेस वीडियो कॉल करेंगे और लंबी बातें भी कर पाएंगे, वो भी बिना कॉस्ट। और आज उनकी ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई है। छठी भविष्यवाणी सेल्फ ड्राइविंग कार। दरअसल 1898 में निकोलाई टेस्ला ने कुछ रिसर्च पेपर्स ऐसे लिखे थे जिनमें उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी। उसके 100 साल बाद इलॉन मस्क ने सेल्फ ड्राइविंग कार को दुनिया में लाके इनका ये आविष्कार सच साबित कर दिया। और इससे प्रेरित होकर दुनिया के आज के टॉप बिलियनियर इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी का नाम टेस्ला मोटर्स रखा था। टेस्ला की सातवीं भविष्यवाणी है कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस। दोस्तों दुनिया ने सबसे पहले नेचर को प्रोटेक्ट करना और क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना चालू किया और आज हम ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हर साल दुनिया को ब्रीफ करते हैं यूनाइटेड नेशंस के जरिए। टेस्ला की आठवीं भविष्यवाणी थी वुमन एम्पावरमेंट। टेस्ला ने इस भविष्यवाणी में ये कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वुमन इस दुनिया में लीडरशिप की भूमिका में आएंगे, और आज हम ये देखते हैं कि महिलाएं एक बहुत ही अच्छे लीडर के तौर पर उभर कर सामने आई है। टेस्ला की नौवीं भविष्यवाणी ये थी कि साइंस इतनी तरक्की करेगा कि दुनिया साइंस की दीवानी हो जाएगी और साइंस से ही पूरी दुनिया चलने लगेगी। और आज ये भविष्यवाणी लगभग सच हो गई है क्योंकि हमारी पूरी
फाइनेंशियल सिस्टम्स साइंस और टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। दोस्तों उस जमाने में पूरी दुनिया न्यूज़पेपर्स पर इतनी डिपेंडेंट थी कि पूरी दुनिया को जो भी खबरें मिलती थी वो न्यूज़पेपर्स के जरिए ही मिलती थी। दोस्तों आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद दुर्गम भागों में इसकी खबर 10 महीने के बाद पहुंची और निकोलाई टेस्ला ने उस वक्त ये भविष्यवाणी कर दी थी कि एक जमाना ऐसा आएगा जब लोग न्यूज़पेपर वायरलेसली प्रिंट करेंगे और दूर दूर तक न्यूज पहुंचाएंगे और वो भी बिल्कुल सच साबित हुई। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।